और चले इसी तरह करते हैं जयपुर का अहम कार्यक्रम में इस वक्त संबोधन दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें दातो तोनिया जी, हमारे विधायक राम साहेब वर्मा जी, बीएल नवल साहब, एस के मोहनपुरिया जी, हमारे नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, मंच पर विराजे सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी का वंदन करता हूं। मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये तीन दिन का जो ये कार्यक्रम है, तीन दिन का ये उत्सव है, ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और हम सबके जीवन में गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी आज अब हैं, जो भी कुछ हैं, हम सभी उन गुरुजनों की मेहरबानी से हैं। गुरु हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, इस तरह गुरु हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि परसों गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी आप, जिन गुरुओं से हमने गुरु दक्षिणा ली है, जिन गुरुओं ने हमको रास्ता दिखाने का काम किया है, हमारे जीवन को सार्थक किया है, ऐसे गुरुओं को नमन करने के लिए हमारा तीन दिवसीय उत्सव होता है। इस उत्सव के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह विराजे सभी संत समाज को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रणाम भी करता हूं। दो दिन पश्चात 21 जुलाई को आ रही गुरु पूर्णिमा आप सभी को एक नया रास्ता, एक नए रास्ते के साथ नए आयाम स्थापित करें, ऐसा मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर आप सभी से कहना चाहता हूं। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य के लिए एक पवित्र रिश्ता है, यह उल्लास का रिश्ता है और हमारे गुरु स्मरण का रिश्ता है। किस तरह से हमारे गुरु का स्मरण करते हुए उनका जो हमारे जीवन में उनका पुण्य जो रहा है,
उन्होंने जो हम सबको कुछ दिया है उसको भी हमें ध्यान करना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु वह है जो हमारे जीवन को अज्ञानता से अंधकार से अज्ञानता से जो ज्ञान की तरफ ले जाता है, हमें ज्ञानवान भी बनाता है, हमको अच्छा रास्ता दिखाने का भी काम करता है। गुरु ही हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। गुरु हमारा शिक्षक, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, सहायक और एक हमारे सच्चे सारथी के रूप में भी गुरु हमारा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आत्मज्ञान की पूंजी को भी आने वाली पीढ़ियों पहुंचाने का एक बेहतर तरीका है। हम आने वाली पीढ़ी को भी अगर गुरु का महत्व बताते हैं, गुरुजन हमें जो रास्ता दिखाते हैं, आने वाली पीढ़ी जो हमारी युवा पीढ़ी है उन संस्कारों से चल करके आगे चलती है। आपने देखा होगा हमारी ये संस्कृति हजारों सालों की संस्कृति, हमारे उस संस्कार, हमारे जो विचार हैं, ये दुनिया में अलग पहचान रखते हैं। ये हमारे देश की पहचान एक विश्व गुरु के रूप में है और वो इसलिए है कि आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर के संस्कार के क्षेत्र से लेकर के गुरु हमें ज्ञान के भंडार को शिष्य के सामने खोलता है और उस ज्ञान को अर्जित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह गुरु परंपरा और गुरु का बताया हुआ मार्ग आपको आगे ले जाता है और यही है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। और आज हम देखते हैं कि फिर से हमारा 21वीं सदी की ओर जो पदार्पण हुआ है आप देख रहे हैं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। और धीरे धीरे आपने परिवर्तन भी देखा है। हमारे जो संत महंत मुनि, हमारे जो ये बैठे हैं तपस्वी, हमेशा से इन्होंने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है, हमारे लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया है। आज हम इन संतों की बदौलत हमारा जो ज्ञान है वो अगाढ़ है, अंत है, क्योंकि इन्होंने उस ज्ञान की गूढ़ता को समझते हुए हमारे जन जन में वो ज्ञान भरा है। और आज भी हमारे ये संत और मुनि जो बैठे हैं, हमारे गुरु बैठे हैं, आज भी जनता के बीच में जाकर के, जनमानस के बीच में जाकर के उस गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह परंपरा, इस तरह के आयोजित उत्सव, हमारे गुरु पूर्णिमा के उत्सव हों, हमारे त्योहारों के उत्सव हों, हमारे रासलीला रामलीला के उत्सव हों, हमारे अन्य इस तरह के उत्सव होते हैं, वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं, समाज के अंदर हमारी किस तरह से भाव हो, हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं कि हमारा संत के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़े के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सब का ज्ञान भी कराने का काम करते हैं। इस मौके पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे हमारे गुरु कबीरदास जी हो, संत रविदास जी हो, और हमारे ऐसे परम रामकृष्ण परमहंस जैसे कई हमारे गुरु हैं जिन्होंने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज को दिशा देने का काम किया है। आप सभी लोग, मुझे पता है, मेरे पास निमंत्रण आया, राम साई जी ने कहा, मुकेश जी ने कहा, आप सभी ने कहा, मैंने कहा निश्चित रूप से सांगानेर में कार्यक्रम है तो मैं सांगानेर निश्चित रूप से जाऊंगा। आपने देखा है कार्यक्रम है, विधानसभा चल रही है, लेकिन मैंने कहा निश्चित रूप से, क्योंकि एक साथ मैं इतने हमारे संतों के दर्शन कर पाऊंगा, इससे ज्यादा लाभ और मुझे क्या मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारी गुरु परंपरा रही है, आप उसमें विश्वास करते हुए हमारे समाज को दिशा देने का काम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि आपने देखा होगा अभी अभी बजट आया है राजस्थान के अंदर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राजनीति
ये राजनीति जिस तरह की देश के अंदर चल रही थी, क्योंकि लोग सिर्फ वोट के समय आते थे, वोट के समय बात करते थे, वादे करके चले जाते थे, पूरा नहीं करते थे। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वही करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। आपने देखा होगा, 6 महीने आपके आशीर्वाद से 6 महीने पहले राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप सभी ने मिलकर के बहुत बड़ा बहुमत दिया, और मेरे जैसे कार्यकर्ता को तो आपने सांगानेर से 50,000 से वोटों से ज्यादा जिता करके भेजा था। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमने अभी अभी हमारा बजट आया, बजट के अंदर हमने पूरे राजस्थान के उन 8 करोड़ उन सभी हमारे प्रदेशवासियों को हमने जो कहा था और हमारे संकल्प पत्र में था वो हमने करने का काम किया है। सांगानेर में भी हमें पता है इस रोड की कितनी बड़ी समस्या थी, चौराहे उस तराहे पर चौराहे पर भीड़ लग जाती थी, हमने कहा कि यहाँ एलिवेट रोड की आवश्यकता है, वो भी हमने किया है। हमने कहा हमारे सांगानेर में अस्पताल की आवश्यकता है, तो हमने 300 बेड का अस्पताल बनाने की भी घोषणा की है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये सांगा बाबा की धरती है, ये त्रिपोली हनुमान जी की धरती है, हमारे जैन मुनियों की धरती है, और ये बहुत पवित्र धरती सांगानेर की। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हमने आपसे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आपसे मेरा इतना ही है, मेरे से कहते हैं भाई साहब आप इस दुपट्टे को लेकर के, ये दुपट्टा इसको क्यों डालते हैं? मैंने कहा ये पहले तो ये गोविंद देव जी का दुपट्टा है, और दूसरा ये मेरे सांगानेर का दुपट्टा है, ये सांगानेर की मेरे सांगानेर की पहचान है, और ये मेरे सांगानेर की पहचान है, और जब मैं ये पहन करके चलता हूं तो आप सबकी ताकत मेरे में आती है, ये सांगानेर की ताकत अंदर आती है, और ये सांगानेर की पहचान है। और सबसे पहले सांगानेर में जो ये हमारी छपाई का काम होता है, ये देश में नहीं दुनिया में सांगानेर की पहचान है। आने वाले समय में आप देखोगे, आने वाले समय में आप देखोगे कि सांगानेर का रेलवे स्टेशन भी एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। सांगानेर के अंदर अब आप देखोगे तो कई काम होने वाले हैं, आज मैं उनकी जिक्र नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सांगानेर में जो आप लोगों ने जो एक एक करके जो समस्या बताई थी, निश्चित रूप से उनका समाधान होगा। सांगानेर मेरे को बताया 1526 में सांगानेर का ये जो गेट है हमारे मालपुरा का, ये 1526 में बना था। आप लगाइए कितना पुराना है, कितना पुराना है। मैंने कहा सांगानेर के अंदर हमारे मोनोमेंट हैं, उनके आधार पर एक पैनोरमा भी बनाया जाएगा, जिस पैनोरमा के माध्यम से सांगानेर का इतिहास भी उसमें होगा, सांगानेर किस तरह से हमारा डेवलप हुआ है ये भी उसमें होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने, क्योंकि कार्यक्रम लेट हुआ, आप सभी लोगों ने इतने देर तक इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह गुरु महोत्सव है, गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव पर हम अपने को सभी को गुरु जी को याद करते हुए, गुरु जी के उन वाक्यों को याद करते हुए, गुरु परंपरा को निभाते हुए हमें उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। ऐसी मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, पुनः गुरु पूर्णिमा की उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी हमारे संत और महंतों को प्रणाम, आप सभी को कि आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया, सभी कार्यक्रम आयोजित करने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति का स्वागत और सम्मान किया है, और ये कार्यक्रम लगातार इस तरह से होते रहे,
यही मेरी शुभकामना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगा बाबा। तो सांगानेर से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे, जहां धर्म सम्मेलन और सत्संग सभा का आयोजन किया गया।